नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 55 इयर्स है और ये पेशे से डॉक्टर है, यानी पीएचडी की हुई है। अब इस हाथ को देखें तो बहुत अच्छी फिश साइन है इनके हाथ में, पर धन रेखा अच्छी नहीं होने के कारण ये डिजायर ग्रोथ अपने जीवन में नहीं ले पाए और वर्तमान समय में तो इनकी धन रेखा पूरी डिस्टर्ब है। पिछले 5-6 सालों से एकदम हिली डुली है, वो भी मैं दिखाऊंगा, और इनके जीवन में कब से उन्नति दिख रही है वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। इनका कष्ट थोड़े समय का और है, इसके बाद इनके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे, पर बहुत अच्छी फिश साइन है। इन्होंने कलर करके भी, इंक लगाकर भी हाथ का फोटो भेजा, जिसके अंदर इनकी फिश साइन कंप्लीट महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने एक दो सवाल जवाब किए तो उसके सवाल जवाब सचोट मिले, तो मैंने मान लिया ये फिश साइन है। पर जब एनालिसिस करने बैठा तो एक पाम का फोटो जो इनका क्लोजअप था फेट लाइन का, उसमें वो कंप्लीट लग रही है, यानी वो किंतु परंतु वाली सब्जेक्ट भी पूरा हो जाता है। पर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, सब कुछ हो, उसके पास अच्छी साइन हो, तो भी जीवन में ग्रोथ के लिए पामिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक साइन पूरा जीवन नहीं बदलती, पूरा फल नहीं देती, पर फल दिए बिना रहती भी नहीं। तो इनके पास जब भी पैसा आया लॉट में आया, पर जिसको ये लॉट समझ रहे वैसा लॉट अभी तक इन्होंने देखा नहीं है। आने वाले समय में इनको लॉट में पैसा आता हुआ दिखेगा, वो भी मैं एक 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 करके सारी चीजों पर आऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार शेप बने या सीधा बने तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते। ये पाम स्क्वेरिश है, ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी भेज दे, ये ऑलरेडी रेगिस्तान में ही रह रहे, गल्फ में रह रहे, तो भी वहां से भी मीठा पानी निकाल के लाए, इतने मेहनती होते। और दो दिन भी अगर व्यापार ना चले या दो दिन पैसा ना कमाए तो इन लोग को बेचैनी लगती है, जैसे पूरा जीवन पूरा हो चुका है, इस तरह का भास होता है इनको। चंद्र पर्वत थोड़ा सा यहां से दब रहा है तो बातें करने का शौक होता है व्यक्ति को। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी, सेकंड फैलेंज मध्यम है तो जहां जरूरत होगी वहीं लॉजिक की बात करते होंगे, बाकी चुप रहते होंगे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, पर बहुत बड़ा अंगूठा नहीं है, ये भी एक माइनस पॉइंट है। अब इनकी उंगलियों को देखें तो मोटी है और अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी। और ये सारी जब फ्लैट होती है प्रेस किए हुए कपड़ों की तरह, तो बिजनेस माइंडेड होता है व्यक्ति। पर कितना भी बिजनेस माइंडेड हो, जब उसको रेखाएं साथ नहीं देती, और उसमें भी खासकर धन रेखा, आपने किताबें भी पढ़ी होंगी, यहाँ से निकलने वाली धन रेखा ये देती है वो देती है, पर धन रेखाओं को विस्तृत अध्ययन मेरी चैनल पर ही आपको मिला होगा। इतनी डिटेल में धन रेखा को समझने वाला ना किसी किताब में है। जो धन रेखा एक धमनी की तरह है हमारे जीवन में, और उस पर जरा सा भी डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस लाता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और ये उंगली थोड़ी सी भी बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति की, जीवन का आनंद जरूर लेता है और हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50,00,000 की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। ये उंगली का फर्स्ट फैलेंज मुड़ रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने की ललक ज्यादा शो करता है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर होता है। पर यहाँ पर मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है तो मुझे नहीं लगता ये मनी मैनेजमेंट में कमजोर होंगे। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर जब किसी व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी रेखा देख ली तो आंख मूंद के उसे कह दो पैसे के मामले में आपका बुढ़ापा काफी अच्छा जाएगा, तो ये एक खासियत है। दूसरी, बहुत सारी लाइन है
तो ऐसे लोग दो चार भाषाओं के जानकार होते, ये सुंदरता भी देती है। पर यहाँ पर बुध पर्वत थोड़ा सा दबा है, तो जब दबा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो या परिवार से बिजनेस की मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई, इसका उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। और ये पार्ट उभार है, जब ये पार्ट उभार होता है तो छोटा भी काम करता है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा ललक रहती है, यानी छोटा भी काम करे तो मेरा नाम होना चाहिए, ये भाव रहता है। पर इनको यश वाली साइन भी है, यानी यश भी मिला होगा इनको जीवन में, और ऐसे लोगों को यश भी प्राप्त होता है जीवन में। अब इनकी फिश साइन की ओर चलते, काफ़ी सुंदर फिश साइन है। जब पैसा इनके जीवन में आएगा तो लख लूट आएगा। ये देखिए यहाँ पर से निकली, और ये जॉइंटिंग ऊपर की समझ में नहीं आ रही थी, पर इस फोटोग्राफ में ये जॉइंटिंग भी दिख गई, और कितनी बड़ी फिश साइन है। और उसके सामने धन रेखा देखो, पूरी डिस्टर्ब। तो ये कंडीशन होती है, ये जॉइंटिंग कलर किए हुए मैं भी समझ में नहीं आ रही थी, ये जॉइंटिंग यहां चलकर ऐसे है। तो सवाल जवाब पूछने पड़े, तब जाकर कंफर्मेशन हुआ, और अभी एनालिसिस करने बैठा तो ये फोटोग्राफ में ध्यान गया मेरा। यहां पर स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम करवाता है जीवन में। और ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस दो तीन चीजों की ओर इशारा जाता है। एक तो पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, या पिता का साया छोटी उम्र में जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है। और जीवन में थोड़ा सा भी आगे बढ़ो तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिल जाता है, या परिस्थितियां इस तरह से पैदा होती है कि हमें पीछे आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, ये क्रॉस है। और ये एक लाइन जब इस तरह से कहीं पर भी जॉइंट होती है सनलाइन को, तो अंतर जातीय विवाह होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। और यहां पर देखे तो विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है। अब हृदय हृदय रेखा के ऊपर देखे तो एक जुपिटर से निकल, ये हृदय रेखा पर जब आएंगे तब बात करेंगे। धन रेखा बुढ़ापे में अच्छी खासी बनी हुई है, मैं इनकी उम्र 55 है, इसके लिए जब धन रेखा पर आऊँगा तब इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और ये जो साइन होती है ये व्यक्ति को धर्म के प्रति अलग आस्थावान बनाती है, ये किसी को बता भी नहीं पाते, और किसी को बता भी दिया तो अगला समझ भी नहीं पाता, तो ये साइन उसकी साइन है ये। और जुपिटर की ओर जाती हुई रेखा भी दिख रही है, ये चार बेनिफिट दिलाती है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। तो इनकी जैसे ही धन रेखा सुधरेगी इनके जीवन में बड़े स्तर का काम 100% होगा, 100%। अब वापस उसी फोटोग्राफ पर चलते हैं। जुपिटर माउंट पर एक स्क्वायर साइन दिख रही है, ये साइन जब होती है तो व्यक्ति 32 साल के पहले प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और ये जो कंटिन्यू चलने वाली लाइन होती है, ये व्यक्ति कितना भी नीचे गिरे उसे स्टैंड बाय रखती है, हिलने नहीं देती अपनी जगह से, तो ये भी प्लस पॉइंट है। और मेरे हिसाब से जुपिटर माउंट इनका काफ़ी अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख वाला ये जुपिटर माउंट है, मुझे कहीं पर भी कोई कमी इस जुपिटर माउंट में नहीं लग रही है। और हॉरिजॉन्टल रेखा है, एक रेखा, दो रेखा, और यहाँ पर एक है, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है, सेवाभावी होते, पामेश्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता हो ज़्यादा जाता है इस तरह के मिस्ट्री साइंस में, और साथ साथ में ये धार्मिक भी होते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, उंगलियों के हिसाब से मोटापा ज़्यादा है, यानी मोटी उंगली शारीरिक क्षमता दिखाती है, और अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी इनके जीवन में,
और थोड़ी सी लाइनें हैं, ये थोड़ा सा चिंतित स्वभाव देती है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा कोई माइनस पॉइंट इसमें है नहीं। भारी मंगल अति उत्तम, जब इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील होता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी जो फेट लाइन है वो पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है और इनकी जीवन रेखा से भी शाखाएं सूर्य पर्वत अपना चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो व्यक्ति का विदेश सेटलमेंट पक्का होता है और ये सालों से विदेश में रह रहे और ये सालों साल विदेश में रहेंगे। और चंद्र जब अच्छा होता है तो व्यक्ति पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है, अच्छे परचेसर होते हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, ये सारा एडवांटेज मिलता है। और इतनी बड़ी बुध रेखा भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई, पर है तो ये बहुत बड़ा काम, जब इनकी धन रेखा सुधरेगी तो काफ़ी अच्छा काम इनके जीवन में होगा, क्योंकि फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल न भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत ट्रिमेंडस अच्छा है, इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ मिलती है, खर्चने का शौक होता है और कमाने का भी शौक होता है। तो ये सारा लक्षण इनके हाथ में शो हो रहा है। और ये जो फोर्क होता है ये व्यक्ति को यात्रा ज़्यादा करवाता है, और ये रेखा अगर होगी तो ये हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब इनकी हृदय रेखा में, हृदय रेखा में देखें तो ये दो पार्टों में चल रही है, ये इसका मायना अलग हो जाता है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ऐसे लोग अपनी बातें दो वाक्यों में सामने वाले को समझा पाते हैं, और शुरुआत के दिनों में ये आदर्शवादी होते हैं, पर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे इनका आदर्श कम हो जाता है और बाद में पैसा सूझता है इनको। और ये एज होगी इनके मानसिक बदलाव की, लगभग 34-35 के आसपास से इनका टोटल माइंड चेंज हो गया होगा, और शनि पर्वत से बाद में शुरुआत हो रही है तो व्यक्ति कामुकता देता है, ये लाइनें, पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है व्यक्ति का, और कभी कभी फिजिकल बनता है यानी हाथ पैर उठाता है। और जिस तरह की हृदय रेखा है तो कोई ना कोई झंझटें व्यक्ति के जीवन में रहती है, हर जगह डबल लाइन है तो झंझटों भरा जीवन रहता है, पर्सनल लाइफ इतनी उत्तम तरीके की नहीं जी पाता, कोई ना कोई झंझटें व्यक्ति में आपाधापी लगी रहती है। और एक दो लाइनें ऊपर जा रही है, फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन देखिए अलग ही तरह की है, जुपिटर से निकली तो जब जुपिटर से निकलती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है और अपने एम्बिशियस पूरा भी करता है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए डार्क बन गई, ये पीरियड होगा लगभग 29-30 के आसपास से लेकर 36 तक के पीरियड में प्रेशर रहा होगा इनके जीवन में आगे बढ़ने का, क्योंकि मोटी हो रही थी, उसके बाद भी मोटी है, अप टू यहाँ तक मोटी है, ये एज होगी 52 या 53 तक, और उसके बाद ये माइंड लाइन पूरी घुमाव ले रही है। और यहाँ पर माइंड लाइन पूरी जो घुमाव आया इनके जीवन में ये 36 के आसपास ही आया होगा, यहाँ से ये काफ़ी धार्मिक बनना चालू हो गए होंगे, सपने बढ़ गए होंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ गया होगा, ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता होगा इनको, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते होंगे। और माइंड लाइन पर 2-3 अलग चीज़ें दिख रही है, एक तो ये फोर्क दिखता है, ऐसे लोग शार्प माइंडेड होते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखें तो ये एक लाइन निकल कर इस तरह से जा रही है, जब इस तरह से जाती है तो व्यक्ति के जीवन में पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते उनके द्वारा कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ये जॉइंट नहीं है, डबल माइंड लाइन नहीं है, यहाँ से एक शाखा निकली और इस तरह जा रही है, यानी ये काटते हुए इस तरह से आगे बढ़ रही है।
अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर 26 के आसपास या तो इस लाइन ने शादी कराई होगी या कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में, 24 के आसपास सॉरी। उसके बाद एक रेखा 26 के आसपास काट रही है, 31 में एक ऑफशूट है, 33 में एक राहु रेखा है, उसके बाद 35 में और उसके पहले भी एक छोटी राहु रेखा है, उसके बाद 38 में ऑफशूट भी है और एक रेखा ने काटा भी है राहु रेखा ने, उसके बाद 40 के आसपास राहु रेखा है, 43 के आसपास ऑफशूट है, ये रेखा ने काटा 40 के आसपास और इसके आसपास एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी इनको। उसके बाद 43 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, एक ऑफशूट भी है, उसके बाद 45 के आसपास एक ऑफशूट है और यहाँ पर डॉट है, एक 45 में डॉट है, एक 47 में डॉट है, तो यहाँ पर हो ना हो कोई रुकावट भी आई होगी या कोई एक्सीडेंट या ऑपरेशन या ऐसा कुछ ना कुछ होता है जब ये डॉट होती है जीवन रेखा पर, तो ऐसी कोई परिस्थिति हुई होगी इनके जीवन में। उसके बाद 49 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा और यहाँ पर एक छोटी रेखा अगर नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद 51 में एक रेखा ने काटा, एक 52 में काटी रेखा ने, उसके बाद 55 में काट रही है और एक ऑफशूट 57 के आसपास एक ऑफशूट है और उसी पीरियड में एक छोटी सी राहु रेखा भी काट रही है। उसके बाद 59 में एक राहु रेखा काट रही है और 61 में ऑफशूट है और उसके बाद सारे ऑफशूट ही ऑफशूट है, तो उसके बाद इनके जीवन में प्रगति प्रगति है और ये जो रेखा है ये व्यक्ति को फॉरेन सेटल करवाती है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा पर देखें तो यहाँ अच्छी ग्रोथ इनको मिली होगी ये पीरियड में 33 से लेके 35 तक, उसके पहले इतनी दमदार धन रेखा नहीं थी। हाँ, उसके 2 साल पहले डेवलपमेंट चालू हुआ होगा इनके जीवन में, उसके बाद एक कट लगा 36 के आसपास और एक और फेट लाइन डेवलप हुई जो विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रहा और ये पूरी डिस्टर्ब है। 1-2 साल अच्छी चली, उस पर कट लगा 38 के आसपास और यहाँ से जो बिगड़नी चालू हुई अप टू यहाँ तक, इस तरह की धन रेखा ग्रोथ नहीं देती, एक्सपेंसिव देती है और जिस तरह की फिश साइन है ये डिजायर ग्रोथ इनको मिली नहीं होगी। उसके बाद देखें तो इनकी जो धन रेखा शुरुआत हुई वो भी इसी तरह की यहाँ से शुरुआत हुई, ये पीरियड होगा लगभग 46 के आसपास और ये जो काम होगा वो ये लगभग यहाँ पर 48-49 में ड्रॉप कर दिया होगा। ये 46 में शुरुआत हुई और यहाँ आते आते तो पूरी लथड़ गई, यानी कोई दम ही नहीं है इस रेखा में, कोई दम ही नहीं है। ये पूरा पीरियड ये लगभग 6-7 साल का पीरियड एकदम ही डिस्टर्बेंस वाला है, कोई ताकत ही नहीं है धन रेखा में, पर सेकेंडरी कोई ना कोई लाइनें थी यहाँ से इनके जीवन में डेवलपमेंट रही होगी। ये लगभग 43 के आसपास से लेकर 45 तक इस लाइन ने कोई ना कोई अच्छा काम दिया होगा, पर ये 44 में इनको कट भी लगा, ये इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या कोई घाटा गया होगा इस फेट लाइन पर। अब इनकी जो आगे है यहाँ से इनकी धन रेखा सुधर रही है, ये पीरियड होगा लगभग 58 के बाद का, यानी 59 के आसपास से ये अच्छी ग्रोथ इनको मिलेगी इस धन रेखा में। और इस पार्ट को देखें तो ये जो दो धन रेखा है ये चल तो रही है पर इतनी दमदार नहीं है और ये दमदार हो रही है यहां से, ये लगभग ये धन रेखा दमदार बन रही है 60 के आसपास और ये 62 के आसपास, उसके पहले कहीं ना कहीं से पैसा व्यक्ति के पास आता है पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर ये सारी स्ट्रांग इनके जीवन में, यानी
59 से इनका डेवलपमेंट अच्छा होना चालू होगा, ये रेखा 62 से बेनिफिट देगी और ये रेखा 64 के आसपास या 65 से अच्छी बेनिफिट देगी, और ये बुढ़ापे में जो जवानी में जो नहीं कर पाए होंगे वो इनको बुढ़ापे में धन मिलने वाला है। तो आगे चलकर इनको बुढ़ापे में सफलता लिखी हुई है क्योंकि इतनी बड़ी फिश साइन है इनके हाथ में। तो जब धन रेखा सुधरती है तो ये लोग ट्रिमेंडस पैसा आता है, ट्रिमेंडस पैसा जीवन में। तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।